नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा पेटीएम एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। और एक अपडेट है, ये अपडेट कह सकते हैं इसको, और इससे थोड़ा सा आपको मुझे आसानी हो जाएगी रीपेमेंट करने में, और एक अपडेट जो है ये आपको अच्छा लगने वाला है। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पर आप स्क्रीन देखिए, जो होम पेज है पेटीएम का, उस ऐप में आप चले जाइए, जो क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन है वहाँ पर, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से होम पेज खुल जाता है, जो आपका पेटीएम एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो वाला, सिटी बैंक और जो जिन जिन से टाई अप है, SBI से भी शायद टाई अप है, तो जिनसे भी टाई अप है और जो भी क्रेडिट कार्ड आपको मिला हुआ है वो वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुझे पेटीएम HDFC का मिला हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे, और जो यहाँ पे ऊपर इस वाले सेक्शन में यहाँ पे आप देख रहे होंगे पेटीएम HDFC लिखा होगा, तो पेटीएम HDFC का जो बैंक है मुझे क्रेडिट कार्ड मिला है, तो वहीं पे आप स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा तो आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे की साइड में आप देख रहे होंगे, अगर आपको स्क्रॉल करना है तो कर सकते हैं, अगर पहली आ रहा है इस तरह से तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। पहले यहाँ पे सिर्फ पे नाउ का ऑप्शन आता था और क्रेडिट कार्ड पेमेंट वाले कार्ड में चला जाता था, जो ऑप्शन था क्रेडिट कार्ड का, और वहाँ से आपको पेमेंट करना पड़ता था, लेकिन वहाँ पे इस तरह से कुछ नहीं दिखाई देता था कि आपका अमाउंट कितना कितना ड्यू है, व्यू डिटेल्स आप करेंगे तो वो ऑप्शन नहीं था, ड्यू डेट क्या है ये सब नहीं दिखाई देता था, सिर्फ पे नाउ का ऑप्शन आता था और जो पेटीएम का गेटवे है क्रेडिट कार्ड पेमेंट का वहाँ पर लेके चला जाता था। लेकिन अब यहाँ पे आपको डिटेल भी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे जो रिवार्ड और बेनिफिट्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा व्यू ऑल करेंगे। और अगर आप व्यू डिटेल्स पे जाएंगे तो मिनिमम अमाउंट कितना पे करना है, बिल जनरेट कब हुआ है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद जैसे ही पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, पे नाउ पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद वो अमाउंट जो है वो आप याद रखना, जैसे 8,648 रुपये मेरा ड्यू है, तो वो यहाँ पर आकर के आपको एंटर कर देना है अमाउंट जब आप कंटिन्यू पे नाउ करेंगे तो। और पे नाउ करते ही आपसे पूछ लिया जाएगा आपका अमाउंट, जैसा कि मैंने बताया अमाउंट याद रखना, लिख देना, उसके बाद प्रोसीड टू पे करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा एंटर कार्ड डिटेल, तो वहीं पे ब्लू पट्टी देख रहे होंगे एंटर कार्ड डिटेल, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो कार्ड का है नंबर वो डाल देना है, डालने के बाद जैसे ही डाल देंगे उसके बाद आपको फिर से वापस से वो कार्ड जो डिटेल है वो चेक करने के बाद वापस से बिल वाले पेमेंट पे आ जाएगा, प्रोसीड टू पे अब इस बार आ रहा होगा, तो प्रोसीड टू पे आपको अब कर देना है, और उसके बाद कंफर्म पेमेंट आपको करना है, कार्ड नंबर वगैरह आपको चेक कर लेना है, अमाउंट कंफर्म टू प्रोसीड करने के बाद पेटीएम के पेमेंट गेटवे पे चला जाएगा, पेटीएम बैलेंस होगा तो वहाँ से आप कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो बैंक आपने लिंक किया है उससे आप रीपेमेंट इसकी कर सकते हैं। तो ये अपडेट है जो कि पेटीएम में ही आ गया है कि जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है वहीं से डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको पेमेंट करना है तो आप अब पेटीएम से ही कर पाएंगे, पेटीएम का जो भी जिस भी बैंक से टाई अप है उनका जो पेमेंट गेटवे है आपको पेटीएम पर ही देखने को मिल जाएगा ऐप में ही, क्रेडिट कार्ड में। मुझे लगता है कि और जैसे पहले कुछ भी नहीं दिखता था, सिर्फ वहाँ पे आपका कार्ड दिखता था, क्रेडिट लिमिट दिखती थी, फिर पे नाउ का ऑप्शन आया, फिर उसके बाद अब वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, डिटेल भी थोड़ी दिखने लगी है कि कितना मिनिमम ड्यू है, कितना आपको टोटल अमाउंट ड्यू है और कब ये बिल जनरेट हुआ, और मुझे लगता है धीरे धीरे ट्रांजेक्शन वगैरह भी शायद अगर कर ही देंगे तो अच्छा हो जाएगा, और कैशबैक वगैरह का ऑफर क्या चल रहा है वो भी वहाँ पे अगर आ जाए और दिखे तो भी अच्छा हो जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। कुछ कहना है यार जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, आपको पता है तो कमेंट करिए ताकि मुझे भी पता चले, लोगों को भी पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपडेट कैसा लगा कमेंट करके ये भी आप बता सकते हैं, मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे पता चल जाएगा कि ओवर अब इतना कितना ड्यू है और जो मिनिमम ड्यू है वो, और बिल जनरेट क्या है, ड्यू डेट क्या है, क्योंकि इसके लिए पेटीएम जो HDFC बैंक की वेबसाइट है वहाँ पे माई कार्ड वाले में जाकर के देखना पड़ता था, तो कई लोगों का कमेंट आता था कि ड्यू अमाउंट कैसे देखें, ड्यू डेट कैसे देखें, कैशबैक कितना मिला वो कैसे देखें, तो वो थोड़ा अपडेट होगा अभी, लेकिन जितना हुआ है अभी इतना तो काफ़ी है कि आप कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना ड्यू अमाउंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब।